मेरा नाम विनीत कुमार है। मैं बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं भिवाड़ी में रहता हूँ और चौपांकी में एज ए प्लांट हेड की जॉब करता हूँ मैं, कत्यानी इंडस्ट्रीज में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया है आप जैसे सीनियरों के सामने कुछ बोलने का। मैं ज्वाइनिंग से बात करना चाहूंगा। ज्वाइनिंग से बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इससे दो चीजें क्लियर होगी। वो दो चीजें क्लियर क्या होगी? ये क्लियर होगा कि लोग बोलते हैं कि गोल्ड मार्केट का आदमी ज्वाइन नहीं करता, और दूसरी बात सिस्टम से हमें काम करना चाहिए जो लोग ढेर सारे लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरी ज्वाइनिंग जो है ये दोनों चीजों से रिलेटेड है। आप मेरी ज्वाइनिंग को सुनेंगे आप तो आपको दोनों चीजें निकल के आ जाएगा कि गोल्ड मार्केट का आदमी भी ज्वाइन करता है अपने साथ, और सिस्टम के बिना कोई नहीं ज्वाइन करता है। जो सिस्टम से नहीं चलता है उसके साथ कोई नहीं आता है। जैसे कि मैं बताता हूँ मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई। मैंने इस बिजनेस प्लान को 2011 में, बिजनेस प्लान नहीं, किसी ने मुझे ऑफर किया था, और उसने ऑफर क्या किया था, मुझे ये ऑफर किया था कि ये दो साड़ियां है, कोट पैंट का कपड़ा, हैप्पी फैमिली पैक, इसको ले लो और आप सेफ शॉप को ज्वाइन कर जाओगे। आप दो बनाओगे, वो दो बनाओगे, वो दो बनाएगा, और आपको 40,95,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैंने वो, आप लोग को जान के बड़ी हैरानी होगा कि वो जो आदमी था वो मेरा पड़ोसी था, मेरे साथ 5-7 साल गुजार चुका था। मेरा डोर और उसकी डोर दोनों सामने खुलती थी, एक दूसरे के सामने, यानी कि इतने ज्यादा क्लोज थे आप सोच नहीं सकते, एक भाई के जैसा एक था। लेकिन उसने सिस्टम को फॉलो नहीं करके, ठीक है। अब सेकेंड जो हमें ज्वाइनिंग करवाने वाले आदमी थे वो थे प्रमोद प्रसाद जी, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस बिजनेस में लाया। तो उन्होंने इस बिजनेस में मुझे कैसे लाया आप सच जान के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो, मैं उनको जो 1% भी होता है ना, मैं 1% भी उनको नहीं जानता था, प्रमोद प्रसाद जी को। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है उस तरह से उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग किया और मुझे सेमिनार हॉल में लाया। और सेमिनार हॉल में लाके जब उन्होंने हमें बिजनेस प्लान को दिखाया, जब मैंने वहां देखा कि हमारे जैसे बहुत सारे आदमी हैं, हमारे से ज्यादा एज वाले, हमारे से कम एज वाले, लेडीज जेंट्स सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उसके बाद मेरी क्लोजिंग जो था वो अमित राठी सर ने किया, और उनके क्लोजिंग करने से मैंने क्या किया, मेरा जो बचपन में, मैं वेस्ट बंगाल में पढ़ा लिखा हूँ, मेरा फादर वही इंजीनियर थे, इसलिए मैं वेस्ट बंगाल में था। फर्स्ट से ही मैं थोड़ा ड्रीमर हूँ, मैं सपने देखता हूँ और उसको पूरा भी करना चाहता हूँ। इसलिए इन ऐसे इंसान को जिसको मैं 1% भी नहीं जानता, उसको मैंने हेतराम चौक से पैसे निकाल के और उनको एक आईडी का पैसे मैंने उन्हें दे दिया और मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाती है और ये लोग साथ जब चलना शुरू करते हैं, मैं सेमिनार में 2 से 3 बार आता हूँ, चौथे बार आता हूँ, तो मैंने अपने भाई की आईडी डाल दिया, फिर एक दूसरे भाई की आईडी डाल दी, और उसके बाद �से करते करते मेरी आज के डेट में 7 आईडिया हैं, जिसमें मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, मेरा ये सारे साले भी है, सारे कोई है इस बिजनेस में, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है इस बिजनेस में, और सब बाहर है, यहाँ पे कोई नहीं है भिवाड़ी में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं कि सिस्टम से क्यों काम करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो क्यों करना चाहिए, इससे आप और हम सबों को पता लग जाता है कि आप सिस्टम से काम करेंगे तो एक कोल्ड मार्केट का बंदा भी हमारे साथ इस बिजनेस में आ सकता है। और आप लोग जो, मेरे को थोड़ा टाइम हो चुका है इसमें, 4 साल से अभव हो चुकी है मुझे, और मैं इस दौरान जो हूँ मैं सिल्वर लेवल पर हूँ, और मेरी टीम साइज जो है 110 लोगों की है। लेकिन मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखने की कोशिश किया, जो हमारे यहाँ पर के जो गुरु है, हमारे अपलाइन मिस्टर प्रमोद प्रसाद जी और अमित राठी सर, बेसिकली अमित राठी सर के साथ मैंने काफी टाइम ये किया हूँ, उनके साथ काफी टाइम खराब किया हूँ। वो मेरे पैरेलल लेग के साथ भी काम करते थे ना, तो मैं सीखने के व्यू से, जबकि वो मुझे बोल दिया करते थे कि विनीत जी आप उतर जाओ, आप क्यों जाओगे, आपको उसके ज्वाइनिंग से कोई फायदा नहीं होगा, आप उतर जाओ, अपने घर चले जाओ, और आप, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैं बोला नहीं सर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा, और मैं उनके साथ रह रहा के कुछ चीजें सीखने की कोशिश किया और मैं सीखता आ रहा हूँ। अचीवमेंट के नाम पे मेरे पास फिलहाल इस सेफ शॉप बिजनेस से अचीवमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, आप सच मायने में वो चाहो तो वो भी मेरे पास है।
वो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा है, और बड़ा ऐसा है कि मैं इस बिजनेस में अपने सारे लेवलों को पार करूंगा और सारे लेवलों को अचीव करूंगा। ऐसा है, मैं इस बिजनेस में आने से पहले जींस पहना करता था, टी शर्ट पहना करता था, जैसे मर्जी वैसे रहता था, हफ्ते में 15 दिन 20 दिन दाढ़ी बढ़ी होती थी। लेकिन मैं इस बिजनेस में आने के बाद ना लोग देखते थे, एक बार भूल से मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए हुए थे और मैं 11 बजे रात को अमित राठी सर के बाद छोड़ने के बाद मैं अपने घर जाता हूँ, और 11 बजे रात के बाद मैं जब पहुंचता हूँ उसके बाद कल बृहस्पतिवार होती है तो बृहस्पतिवार को मैं सेविंग नहीं करता हूँ, तो रात के 12 बजे मैं अपनी सेविंग करता हूँ। कहने का मतलब है ये बिजनेस मुझे ऐसे जगहों पे लाया, मेरा अपलाइन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में बनाए रखा है, और मेरा भी सीखने का जो जुनून है वो मैं उनके साथ रह कर सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो सीखने की क्षमता होना चाहिए, तो हम उनके साथ मिलकर रह के उनके साथ सीख सकते हैं। थोड़ा टाइम ये ना सोचे कि हमारे टाइम खराब हो जाए, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे को इनके साथ रहने से टाइम खराब होता है, नहीं, यहाँ टाइम आप खराब नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका पर्पस है सीखने का। आप जब सीख जाओगे तो इस बिजनेस में आप आगे जा सकते हो। इस बिजनेस में हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो मैंने 7 पॉइंट बना रखे हैं जो हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकता है, तो मैं एक एक करके उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं इतना बड़ा ये नहीं हूँ जो मैं सारे कुछ नहीं करूँ, लैपटॉप भी है मेरे पास और बाइक भी मैंने खरीदी है, सारे सोच यहीं से डेवलप किया है, मैंने इतनी इनकम नहीं किया है, लेकिन मैंने इस बिजनेस में आने के बाद ही अपनी सोच बड़ा करने के बाद मैंने बाइक खरीदी, उसके बाद मैंने 30,000 का लैपटॉप HP का खरीद रखा है, क्योंकि बिजनेस प्लान में अभी उससे इतना ज्यादा मैं बिजनेस प्लान उसमें नहीं बना पाता हूँ, और इतनी ज्यादा यहाँ पे नेटवर्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, उससे कनेक्ट नहीं कर पाया मैं, नहीं तो मेरे पास HP का लैपटॉप है। और ये सारे कुछ जो आई है मेरे में बड़ा सोचने का, वो सारे चीजें आई है, वो सेफ सॉफ करने की वजह से आई है, मेरे अपलाइनों की वजह से आए हैं जिन्होंने मुझे सपने दिखाए हैं और सारे कुछ हुए हैं। तो मैं बात करूंगा अब उसी पे कि हमारा जो 7 रूल्स है जो इस बिजनेस में काम आएंगे। कहने का मतलब है कि हम एक्टिवली होकर जो हमारा बिजनेस प्रोग्राम है, सेफ सॉफ का बिजनेस प्रोग्राम जो होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेंट करना। तो जैसे अब हमारा क्या होता है, हमारा प्रोग्राम क्या है, सेमिनार्स है, बूट कैंप है, सक्सेस डे है, इवॉल्व है, ये सारे चीजें में। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेमिनार में आने के बाद जो हमें प्रेजेंट करता है ना, हम उसके साथ नहीं देते। कुछ लोग तो एक आध दो मात्रे में होते हैं जो साथ देते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो किसी तरह बैठे होते हैं, किसी तरह मूव कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। जो गेस्ट आपके साथ आता है वो उनको देख के वो क्या फील कर सकता है, आप लोग सोच सकते हैं, उसकी माने उसकी एक्टिविटीज खुद बिगड़ जाती है। लोग मूवमेंट करते रहते हैं, किसी प्रेजेंटर को साथ नहीं देते हैं। अगर उसमें से एक आध आदमी जो साथ देने वाला है वो भी यस सर कह देता है तो लोग ऐसे घूम के देखते हैं जैसे लगता है कि यार ये क्या, ये लगता है चमचा है, इसीलिए यस सर किया जा रहा है। तो क्या है, हमारा सक्सेस होने के लिए एक हमारी एक्टिविटीज जो है ना उनके साथ प्रॉपर वे में एक्टिव रहकर सेमिनार में ये करना चाहिए। बूट कैंप में हम जाते हैं, बूट कैंप में जाने के बाद भी मैंने ये देखा, हमारे गुरुदेव बोलते रहते सबसे पीछे जाते हैं और सबसे आगे आते हैं, आके बैठते हैं, लोगों को कहते रहते हैं। सीनियर लीडर्स जो होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सीनियर लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई सोते रहता है, कोई कान खुजलाता है, कोई अंगड़ाई लेते रहता है, यानी कि एक्टिव होकर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा घातक है। और दूसरी बात यह है, दूसरी पॉइंट जो हमारा है, बिलीव इन योर सेल्फ। कहने का मतलब आपको और किसी पे नहीं, आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। आप कैसे हो, गोरे हो काले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गरीब फैमिली में हो, कहाँ से आए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपने आप पे विश्वास करना चाहता है। मैं किसी की कहानी से शेयर करना चाहता हूँ, ये हमारे PM जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके बातों से मैंने ये चीजें सीखा है कि मैंने जब उनको सुना तो मुझे पता चला कि उनके 7 पीढ़ियों में कोई भी राजनीतिक का रब ही नहीं जानता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी फोकस थी कि मुझे राजनीतिक में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। उनका जो अपने आप पे भरोसा था उसके कारण वो जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। और आप जब दिल से कुछ करने के लिए
जाते हैं तो आपका वो सारे चीजें पूरी हो जाती है। इसलिए आपको अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस काम को हम सब करेंगे अपने पे भरोसा करके तो हम इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, वर्क फॉर मनी नॉट फॉर मनी, यानी कि कहने का मतलब है आप पैसे कमाने के इरादे से इस बिजनेस में आते हैं, स्टार्ट करते हैं तो शायद आप ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि पैसा जो होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। सेप्सो बिजनेस में आपने बहुत सारे ऐसे अचीवर को देखे होंगे जो ऐसे घीस तीर के आए हैं, अनमने ढंग से आए, लेकिन उन्होंने काम को काम के तरीके से किया, काम करने के तरीके से किया और काम किया और वो सक्सेस हो गए। और आज उनके बैंक में कितने अकाउंट्स, कितने प्रॉपर्टीज है, ये हम सबों को मालूम है, हम सीनियर रीडर के देख सकते हैं। मैं किसी सक्सेस डे में मैं अमित मिश्रा सर को सुना था कि उन्होंने बोला था कि आप जिसको ज्वाइन करवाते हो किसी एक आदमी को, अगर उसको ज्वाइन करवाने में आप ये देखते हो उसमें कि 500 रुपए आ गए और 1000 रुपए आ गया तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, उस जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो उसके सक्सेस के बारे में सोचिए, आप खुद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी कि एक बातों पर टिके रहना, एक ही बातों पर ध्यान देना इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक चीजों पर नहीं टिके रहते हैं कि मुझे क्या करना है, आपकी इच्छाएं चेंज होते रहते हैं। ढेर सारे हमारे साथ आते हैं और ये सोच के चले जाते हैं कि उस बिजनेस में आसानी से मिल जाएगा, उसमें फोकस हिल जाती है और वो दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी उनका कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी वो डायमंड बनना चाहते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं, कभी क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ऐसे बनने से उनका फोकस जो हिलता है वो कहीं पे नहीं जा पाता है। इसलिए हमें क्या है, हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही तरह का फोकस होना चाहिए, मुझे सेफ शॉप में डायमंड बनना है और आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ मुझे सेफ शॉप में डायमंड बनना है। आपका फोकस सिर्फ इन चीजों पे होना चाहिए। ऑब्जर्व अदर एंड लर्न, कहने का मतलब है कि हम दूसरे को देख के सीखे। अब हम दूसरे को देखने के लिए हमारे पास इतने अपलाइन, इतने ग्रेट मेंटोर हैं जिनको हम देख के सीख सकते हैं कि वो अपने इस सेप्स ऑफ बिजनेस के लिए वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, कैसे करते हैं, और उनको देख देख के हम सीख सकते हैं और सीख कर हम आगे जा सकते हैं इस बिजनेस में। स्टिक टू योर ड्रीम, कहने का मतलब है कि आपको अपने सपनों पे टिका रहना पड़ेगा, अपने सपनों के साथ चिपका रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग जो नए नए जोश में आते हैं वो दोस्तों और किसी और का मजाक लेने से बिजनेस को छोड़ देते हैं या डीमोटिव हो जाने के कारण वो काम नहीं करते, क्योंकि लोग तो जानते नहीं है ना, आपके सपने हैं तो लोग नहीं जानते, वो उनको कुछ भी बोल देने के बाद उनके सपने नहीं होते हैं स्टिक, उनके सपने एकदम क्लियर नहीं होते हैं, लोगों के कहने पे, लोगों के मजाक उड़ाने पे वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, ये करना बंद कर देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमें स्टिक होके अपने ड्रीम पे काम करना चाहिए और ड्रीम बना के काम करना चाहिए। वर्क हार्ड एंड सेट बेंचमार्क, यानी कि आपको खुद को इस बिजनेस में सबसे पहले खुद को आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप इतना मेहनत करो कि आपकी टाइमलाइन ये कहे कि नहीं मुझे तो इनके जैसा बनना है। आप सेट करो कि नहीं मुझे ये ऐसा कुछ करो, आपकी आपको देख के आपके जो पीछे के डाउनलाइन है वो जो आपको सोचे, अपना आदर्श माने कि नहीं ये इतने हार्ड वर्क करते हैं तो मुझे भी इनके जैसा होना चाहिए, ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है हमको इनके जैसा होना चाहिए। यानी कि खुद को हार्ड वर्क करके और लोगों को ऊपर ले जाने की कोशिश करें, और हार्ड वर्क करते ही हमारा, जब हम खुद हार्ड वर्क करेंगे, हम खुद करते रहेंगे तो हमारे डाउनलाइन भी देख के ये तो बोलेगा कि यार ये तो इतने मेहनत करते हैं हमें भी करना चाहिए, जरूर इसमें कुछ ना कुछ है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी टीम इतनी बड़ी नहीं है, 110 लोगों की है, लेकिन मेरे टीम में एक बंदा है, मैं उनको बहुत कुछ कहता तो उन्हें कोई ना कोई मिल जाता, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं बार बार, क्योंकि बिजनेस की सारी बारीकियां उनके पता नहीं है उन्हें, तो नहीं क्लियर कर पाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। आके मेरे को बोलते हैं कि सर देखो मेरा तो दिल नहीं करता इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि सब कोई क्या से क्या बोलता है, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा है, लेकिन आपको काम करते देखता हूँ ना तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। इसी तरह सभी को ऐसा करना चाहिए ना कि आप खुद से ही आगे आके ना लीड करना सीखे, आप एग्जाम्पल सेट करें कि नहीं हार्डवर्क क्या चीज होती है, आप हार्डवर्क करेंगे तो कहाँ जाएंगे, लोग आपको फॉलो करें।
सेल्स को दुगनी कैसे कर सकते हैं? मैंने कई किताब में पढ़ी है, जो अच्छे प्रोस्पेक्ट के पास आप जो डेली 1 घंटे 1.5 घंटे बिताते हो, अगर आप उसको 2 गुनी से 3 गुनी कर देंगे, यानी कि फील्ड में आप अच्छे वाला प्रोस्पेक्ट के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके दिमाग में पॉजिटिव चीजें भरेंगे, वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा और आप कम टाइम में ज्यादा इनकम कर सकेंगे, दुगनी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जब से शुरू हुआ ये बिजनेस, वो 1928 से आज तक जो आकलन किया गया है, उससे पता चलता है कि जो प्रोस्पेक्ट के पास ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करता है, वही ज्यादा इनकम करता है। और हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 1 घंटा आधा घंटा ऐसे करते हैं, हम सोचते हैं टाइम खराब हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये टाइम खराब नहीं। अगर प्रोस्पेक्ट अच्छा है तो आप 3 घंटे उसके पास लगा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। अपना विजन बोर्ड तैयार किया हूं सर, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। मेरा जो बिजनेस विजन बोर्ड है, वो विजन बोर्ड है 31 मार्च 2021 तक का। उसमें सबसे पहले सर के अनुसार मैंने उसको तैयार करने की कोशिश किया है, इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सर का कोई एडवाइस नहीं लिया इसमें, मैंने अपने मन से बना दिया है, जो मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं बना पाया है, लेकिन मेरा विजन क्लियर है इसको लेके। और वो विजन क्या है, सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड जो विजन है, वो मुझे अपने शरीर का वजन जो है वो 70 किलो करना है। प्रेजेंट टाइम में हमारा जो वेट है वो 96 केजी है, और मुझे ये 11 महीनों में मुझे कुल मिला के 26 किलो वजन को कम करना है 31 मार्च 2021 तक। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं डेली अपना बना रखा हूं विजन कि मुझे 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है। तो मैं ये 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए मैं कोशिश नहीं, मैं इससे ज्यादा पर डे अभी कर रहा हूं लॉकडाउन के टाइम में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने वेट को 70 किलो पक्का कर लूंगा, क्योंकि मुझे 2 किलो से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मुझे पर मंथ करने हैं कम। तो मैं सोच रहा हूँ ये पहले लॉकडाउन में मैं मेरे हिसाब से मैंने वेट नहीं किया, मैं 3 किलो के आसपास कम कर चुका हूँ अपने वेट को। दूसरी जो है वो व्यवसाय प्रोफेशनल से जो मैंने अपना ये टारगेट जो सेट किया है, मेरा जो गोल है वो पर लेवल अचीव करने का है मार्च 31 2021 तक का। और उस टाइम तक पर लेवल ही नहीं, मुझे अपने टीम में 1000 एसोसिएट चाहिए, और उसके बाद जो इससे अर्निंग जो होगी 4 से 5 लाख, उस 5 लाखों से मैंने अपने लिए फाइनेंशियली के लिए ये करने के लिए मैंने एक घर बुक करने के लिए 2BHK वंशिका ग्रुप में 2BHK 14 लाख का फ्लैट भिवाड़ी में मैं बुक करूंगा, जिसका डाउन पेमेंट मैं 2 लाख करूंगा और 9000 पर मंथ EMI दूंगा। दूसरा जो मेरा ये है वो है कार है, वो है मारुति इर्तिगा VXI 8.34 लाख टू 9 लाख, जो मैं इसको भी डाउन पेमेंट 2 लाख देके इसको भी EMI में 9000 के आसपास में मैं करवाऊंगा, और मैं ये दोनों चीजों को परचेज करूंगा। और तीसरा जो है मेरे को फैमिली के से रिलेटेड चीजें, जो फैमिली के लिए मैंने गोल सेट कर रखा है, ये ज्यादा बड़ी गोल नहीं है, मैं अपनी बड़ी बेटी को यहीं पे भिवाड़ी में एक है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें मैं 4th क्लास में उसका एडमिशन करवाऊंगा मार्च 2021 में। और उसके बाद मैंने एक चीज और अचीव कर मैंने कर रखा हूँ, जो है कि मैं अपने फैमिली के साथ एक टूर पे जाना चाहता हूँ और जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, वो है नैनीताल का, जो 3 दिन 2 रातों का मेरा ट्रिप होगा और मैं उसको अचीव करूंगा। सबसे बड़ी बात है इन सारे चीजों करने के बाद मैं आप लोगों से एक चीज करना चाहूंगा, और मेरे पास फिलहाल पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने ये जो सारे चीजें बताई है अपनी विजन बोर्ड के लिए, मैं इस विजन बोर्ड को मैं 100% पूरा करूंगा। मैं अपने गुरुदेव से मैं वादा करता हूं कि मैं पक्का जो मैंने बताई है इसको तो 100% अचीव करूंगा और करके ही रहूंगा और करूंगा, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं। और दूसरी बात एक चीज और बताऊंगा, जो जो लोग ये कहते हैं ना कि इस बिजनेस में जो चीजें करने को होता है उसको मैं नहीं कर पाता हूं, जैसे बुक रीडिंग करना, DVD वॉच करना, ये सारे चीजें वो बोलते हैं मेरा मन ही नहीं लगता है। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक चीज कहूंगा, उनके लिए क्या सबों के लिए है एक, कि एकलव को भी गुरु नहीं मिला था तो उन्होंने एक काम किया था कि उनकी स्टैचू
बनाकर और उसके सामने अपना करते थे, प्रयास करते थे, अपना ये तैयारी करते थे, अपने सीखने की कोशिश करते थे। उसी तरह इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो दो चीज बहुत बड़ी चीज है, एक तो अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, दूसरा जो है वो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक गॉड फादर बनाने पड़ेंगे, एक गॉड फादर बनाना पड़ेगा। उस गॉड फादर के जो गुण है उनके 2 से 4% भी आप अपने अंदर अगर ले लेते हैं फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट में आप लेते हैं उनके 2-4% ही, तो मैं दावा करता हूं आप बुक भी पढ़ना शुरू कर देंगे, आप जॉगिंग भी करना शुरू कर देंगे, आप सारे चीजें करने लगेंगे, आप अचीवमेंट भी लेना शुरू कर देंगे। इसलिए एक गॉड फादर का होना बहुत जरूरी है जो आपको इंस्पायर करता है। मैं ये नहीं कहता कि कौन होगा, ये मैं नहीं जानता, जो आपको इंस्पायर करता है, जिससे आप मोटिवेट होते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, उसी को गॉड फादर बना लो, उसी को अपना मेंटर बना लो और उसको देख के उन्हीं का सारे चीजों को अपना लीजिए। यही बहुत बड़ी चीज है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि आई एम अचीविंग माई ऑल ड्रीम्स टू सेव्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच सर। मैं विनीत जी को बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ, जब से इन्होंने ज्वाइन किया ऑलमोस्ट तब से जानता हूँ, और जैसे विनीत जी ने खुद ने कहा, आपने आपसे कहा और एडमिट किया अपनी बात को, बातों में, कि इन्होंने बहुत बड़ा लेवल अचीव नहीं किया है, सिल्वर लेवल पर है, 110 का नेटवर्क है, काफी टाइम से सेल्स शॉप बिजनेस में है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी अचीवमेंट है वो शायद आपने भी नोटिस की होंगी, जो विनीत जी ने भी पॉइंट की और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि विनीत जी ने जो बताया है उनको, उन चीजों को फॉलो करते हैं। विनीत जी को मैं हमेशा सेमिनार में देखता हूँ, जब भी मुझे जाने का मौका मिलता है भिवाड़ी के सेमिनार में विनीत जी अवेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट कि उनकी कोई इमरजेंसी ड्यूटी ना हो, कोई भी ट्रेनिंग होती है तो विनीत जी वहां पर अवेलेबल होते हैं, कोई भी टीम मीटिंग होती है तो विनीत जी उसमें अवेलेबल होते हैं, हर इवॉल्व में विनीत जी अवेलेबल होते हैं, सक्सेस डे में विनीत जी अवेलेबल होते हैं, कंपनी एनिवर्सरी में विनीत जी अवेलेबल होते हैं, जब भी डे बूट कैंप हुआ है तो विनीत जी अवेलेबल होते हैं, आउटस्टेशन बूट कैंप होता है तो विनीत जी अवेलेबल होते हैं। तो जो जो उन्होंने बताया वो एक्चुअली 100% उसको फॉलो करते हैं। और विनीत जी के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपको आज के दिन, विनीत जी के अंदर जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है उनका, वो बेसिकली सेम शॉप की देन है और ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहूंगा कि उन्होंने ये जो टाइम सेफ शॉप बिजनेस में अब तक दिया है, इस पीरियड में उन्होंने अचीव भले ही नहीं किया है, उनकी कामयाबी की जो इमारत है उतनी बुलंद नहीं बनी है, उतनी ऊंची नहीं बनी है, लेकिन उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। विनीत जी को प्लान दिखाना आता है, विनीत जी को प्रेजेंटेशन करना आता है, विनीत जी को क्लोजिंग करना आता है, विनीत जी को फॉलोअप करना आता है, विनीत जी को टीम मीटिंग करना आता है। तो जो जो काम एक सेफ शॉप एडवाइजर को सीखने चाहिए वो सारे काम उन्होंने सीख लिए हैं। अचीवमेंट भले ही नहीं है, बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन जो बेसमेंट है, जो बेस है, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छी बन गई है और फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन गई है। और जब इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन बन जाती है तो उसके ऊपर कामयाबी की इमारत तो कभी भी खड़ी की जा सकती है, और कितनी भी ऊंची कामयाबी की इमारत खड़ी की जा सकती है अगर आपका जो बुनियाद है, आपकी जो नींव है, वो अगर मजबूत हो। तो आई एम श्योर कि विनीत जी की जो बुनियादें हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत गहरी हैं और उनको बिजनेस की सारी समझ है, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, और फेवरेबल कंडीशन मुझे लगता है बहुत जल्दी आएंगी, लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा और हम सब फील्ड में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी विनीत जी अपना गोल्ड भी अचीव करेंगे, पर्ल भी करेंगे, टोपाज भी करेंगे, एमरल्ड भी करेंगे, रूबी भी करेंगे, डायमंड भी करेंगे, और वो सारे लेवल अचीव करेंगे जो सेफ शॉप बिजनेस में अचीव किए जा सकते हैं। वो कैपिंग पे भी जाएंगे, उन्होंने जो विजन बोर्ड के बारे में हमें बताया, जो उनके गोल हैं, उनको भी अचीव करेंगे, और जो भी इन बातों को फॉलो करेगा, जो सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा, जो लगातार काम करता रहेगा, जो अपलाइन की रेस्पेक्ट करेगा, जो अपलाइन की बातों को मानेगी और सिस्टम के साथ में चलेंगे, उनके सबके सपने पूरे होंगे, चाहे वो सपने छोटे हों या बड़े हों। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, या किसी आर्ट में हो, या किसी भी काम में जो लोग पारंगत हो जाते हैं, जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उसके लिए उन्होंने 10,000 घंटे कम से कम लगाए होते हैं, 10,000 आवर्स। जो लोग जिनके ब्लड में आ जाता है कुछ भी, जो स्पोर्ट्समैन है उनके ब्लड में स्पोर्ट्स आ जाता है, जो क्रिकेटर है उनके खून में, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, वो उनकी सोच में, हर चीज में क्रिकेट होती है, और क्रिकेट के अलावा वो कुछ नहीं सोचते। जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं वो जो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सोचते।
जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो अध्यात्म के अलावा कुछ नहीं सोचते, जो बिजनेसमैन है वो लगातार अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में जो लोग सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और कामयाब होते हैं, जिनको हम सक्सेसफुल लोग कहते हैं, वो कम से कम उस फील्ड में अपने 10,000 घंटे लगाते हैं। दो चीजें मेरी लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता, मेरी जिंदगी दो चीजों के आसपास है। मेरी जिंदगी में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, पहला मेरा स्पोर्ट्स का पैशन जो था, जो मेरा रनिंग का पैशन था जो आज भी है, दूसरा सेफ शॉप। तो मेरी जिंदगी के दो बड़े पैशन जिनमें मैं स्पोर्ट्स में, हालांकि लेवल बड़े लेवल पे मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जब परफॉर्मेंस आने का टाइम था और जब अचीवमेंट का टाइम था तब मेरे साथ वो हादसा हो गया था तो अधूरा रह गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे खून में आज तक एथलेटिक्स है, आज तक मेरे खून में रनिंग है, आज तक मेरे खून में वो पैशन है रनिंग करने का, और आज भी मैं करता हूँ, पिछले काफी टाइम से लगातार कर रहा हूँ। और दूसरा जो पैशन है वो है सेफ शॉप। सेफ शॉप, दिन रात में सेफ शॉप के बारे में बात कर सकता हूँ, 24 घंटे सेफ शॉप के बारे में बात कर सकता हूँ, बिना थके लगातार सेफ शॉप बिजनेस की मैं काम कर सकता हूँ। और ये दो चीजों में अगर मैं देखें, पहले अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैंने करीब 8 साल से कुछ ज्यादा, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मैंने 8 साल स्पोर्ट्स को दिए फुल टाइम। 8 साल मेरा जुनून एक ही था, रनिंग 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 रनिंग। तो 8 को अगर मैं 12 से गुना कर लूं तो महीने निकलाएंगे, 8 को 8 साल से ज्यादा टाइम मैंने दिया, 8 साल राउंड फिगर में मान लेता हूं, 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 96 आएगा, 96। और एक महीने में मैं एवरेज 25 दिन प्रैक्टिस करता था, 5 दिन मैं रेस्ट करता था, बॉडी को रेस्ट देना होता है। तो 96 को अगर 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2400। मैं एक दिन में 5 घंटे रनिंग करता था, एक दिन में कम से कम 5 घंटे रनिंग करता था, उससे ज्यादा भी करता था लेकिन 5 घंटे कम से कम करता था। तो 2400 को अगर 5 से गुना कर लेंगे तो 12,000 आएगा। तो 12,000 अपने करियर को, अपने स्पोर्टिंग करियर को 12,000 घंटे दिए। एक्सरसाइज, वर्कआउट और बाकी सब स्ट्रेचिंग वगैरह वो सब अलग है, 12,000 घंटे में दौड़ा हूं अपने उस पैशन के लिए। उस तरह से अगर सेफ शॉप को देख लें तो मुझे 19 साल से ज्यादा हो गए हैं, और सेफ शॉप में 19 साल इंटू 12, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं सेफ शॉप में तो मैंने कभी भी शायद 10 घंटे से कम नहीं दिए होंगे सेफ शॉप बिजनेस को, 10 घंटे कम से कम दिए होंगे मैंने एवरेज में सेफ शॉप बिजनेस को, चाहे वो कॉलिंग के लिए हो या वो मीटिंग के लिए हो या कुछ हो। तो 10 साल × 12 महीने, और इसमें कभी मैंने रेस्ट भी नहीं लिया होगा, हालांकि थोड़ी बहुत छुट्टियां जरूर हुई होंगी बीच में जब मैं कहीं ट्रैवल पे चला गया होगा, लेकिन उस वक्त भी मैंने सेफ शॉप के बारे में सोचा होगा, उस वक्त भी मैं एक्टिव रहा हूँ, उस वक्त भी मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहा हूँ या फोन पे एक्टिव रहा हूँ, और मैंने उस वक्त भी थोड़ा थोड़ा टाइम सेफ शॉप बिजनेस को जरूर दिया होगा। तो हजारों घंटे, 60-70 हजार घंटे मैंने सेफ शॉप बिजनेस में दे दिए होंगे, इसलिए सेफ शॉप मेरे बिजनेस के, मेरे खून के अंदर आ गया है, मेरी बातों के अंदर आ गया, मेरे जुनून के अंदर आ गया। तो जो भी व्यक्ति 10,000 घंटे किसी भी काम को दे देगा, अगर आप 10,000 घंटे सेफ शॉप बिजनेस को दे देंगे तो सेफ शॉप आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा।